सबने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। हाँ कबूल है सीजन 3 में मैं हूँ मिजना वकास। हमेशा की तरह हमारे साथ आज फिर एक गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है असलम शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या खास वजह थी हमारे शो की दावत कबूल करना? मैं ये शो काफी टाइम से देख रहा हूँ। आई थिंक सो ये अब सीजन 3 चल रहा है आपका। जी, ये एक ट्रू शो है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा शो जिसमें आप सिंपैथी गेन करते हैं, एहसास जज्बात आप वो शेयर करते हैं उनके साथ। तो क्या ख्याल है हम ये सिलसिला शुरू करते हैं? हमारे पास एक बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारे खतूत होते हैं। अब देखते हैं कि असलम शेख के हाथों किस खुशनसीब का नाम निकलता है और वो किसकी शादी में शिरकत करते हैं। अच्छा, ऐसा है कुछ सिलसिला, लाइए जी। ये तो बहुत सारे हैं। हाँ, ओह माय गॉड, बहुत सारे हैं। और देखें, सबकी शादियां करवा रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके निकाल लेते हैं और अल्लाह ताला बेहतरी करे। आमीन। मैंने ऐसे ही बीच में से निकाल दिया। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, ये एक अदद फेसबुक मैसेज है जो कि प्रिंट आउट की सूरत में मेरे हाथ में मौजूद है। चलिए पढ़ते हैं। सलाम एंड गुड डे। हाँ कबूल है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मेरी तमाम फैमिली आपके प्रोग्राम को फॉलो करती है। हर एपिसोड बहुत दिलचस्प होती है। आज फेसबुक हाँ कबूल है का फैन पेज देखा तो सोचा मैं भी इस नेकी में हिस्सा डालूं। हमारे जान पहचान के लोग हैं, उनकी बेटी इकरा की शादी हो रही है। अगर आप उनकी शादी में शामिल हो जाएं तो यकीनन बहुत बड़ी नेकी होगी। आप उनकी वालदा कुबरा बीबी से बात कर लें, यह उनका मोबाइल नंबर है। बेस्ट रिगार्ड, शाजिया जावेद, कराची। शाजिया, आपका भेजा हुआ मैसेज मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं कॉल करूंगी कुबरा बीबी को। बिस्मिल्लाह कीजिए, मिलाइए नंबर। बहुत खुश होंगी जब उनको पता चलेगी ये बात। ये तो एक्साइटमेंट है, बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होती है। उन्होंने खुद तो लिखा ही नहीं है ना। हाँ। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कुबरा बीबी से बात हो सकती है? जी, मैं कुबरा बात कर रही हूँ। अच्छा कुबरा, मुझे शाजिया जावेद ने बताया कि आपकी बेटी की शादी हो रही है। जी हाँ, हो रही है। मैं हाँ कबूल है शो से मिजना वकास बात कर रही हूँ। क्या आप चाहती हैं कि हम आपकी बेटी की शादी में शिरकत करें? जी जरूर करें, बहुत ज्यादा खुशी होगी आपकी, आप शरीक हो गए हमारी बेटी की शादी में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। शाजिया ने आपके बारे में हमें बताया, अब हम आपकी बेटी की शादी में शिरकत करेंगे और आपको और इकरा को हमारा इंतजार करना होगा। जी बहुत बहुत दुआएं देंगे और बहुत बहुत आप हमारे को भी खुशी होगी, आप हमारे एक्साइटमेंट उनकी। हेलो जी, जी जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जल्दी से जाके इकरा को ये खुशखबरी दें। ठीक है, आपको बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं, आप बहुत हमारे शादी में शरीक हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मतलब वो इतनी खुश है ना, उनसे बात ही नहीं हो पा रही कि मैं क्या बात करूं। समझ में भी नहीं आया कि ये कॉल कोई इस तरीके से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग प्रैंक कॉल्स करते हैं, कुछ फेक कॉल्स होती हैं, तो लोग यकीन भी नहीं करते ना पहली दफा में। तो एक ट्रू सच्ची बात और उसके जरिए आपने जिस, अब ये तो माशाल्लाह इतने सारे आपके पास ये लोगों के लेटर्स आते हैं, ईमेल्स आती हैं, फेसबुक के जरिए आते हैं। बिल्कुल। और आपका सेगमेंट बहुत अच्छा है। मेरी और असलम साहब की चिटचैट इसी तरह चलती रहेगी और मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाली हूँ। लेकिन अब हमारी मुलाकात होगी इकरा और कुबरा बीबी के घर में। Yeah।
पहुंच चुके हैं सायदाबाद के इलाके यूसुफ गोट में, जहां इकरा और कुबरा हमारी मुंतजर है। चलिए अंदर चलते। जी कुबरा, ये बताइए कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह बच्चे 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां, एक लड़की शादीशुदा है, बकाया 2 लड़कियां बैठी। अच्छा, आपके खाविंद क्या करते हैं? वो कढ़ाई का काम करता सी, वो उसको 20 साल हो गए छोड़े को, अभी आता है चला जाता है वापस। 20 साल से आपको छोड़ा हुआ है? हाँ जी। अकेली रह रही हैं? हाँ जी, भाइयों के पास रह रही हैं। अब्बा को पता है शादी हो रही है? जी उनको पता है, सबको पता है, कोई भी नहीं आएगा उनसे, कोई भी नहीं। आप तो खुश है ना? खुशी हो रही है? मेरे को तो बहुत खुशी है, आज मेरे दरवाजे तक आए, मुझे इतना कुछ और दे रहे हो अल्लाह ताला, मुझे तो इतना खुशी दे रहा ना, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आपकी कोई नेकी होगी जो आपने की होगी, वो आपके काम आई ना, कैसे उसकी शादी होने जा रही है, उसकी शादी फाइव साल होने जा रही है। इकरा को बुलाएंगी आप? हाँ बुला। इकरा, इकरा, कैसा लग रहा है इकरा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? आप मेरी शादी में। इकरा, सबसे अच्छी सहेली कौन है तुम्हारी? मेरी सबसे अच्छी सहेली मुकद्दस है। मुकद्दस है, सारी बातें करती है उससे? जी हाँ। थैंक यू। सब बताया उसको कि शादी हो रही है, उसको आना है शादी में? जी बताया, तो उसके घर के हालात इतनी तो नहीं आएगी। क्यों, घर में क्या हुआ? बस वो पंजाब जाने लगी। पंजाब जा रही है? जी। अच्छा, ये बताओ कि कौन सा कलर तुम्हें बहुत पसंद है? मुझे काला। काला रंग पसंद है, क्यों? बस ऐसे अच्छा लगता है, काले जोड़े अच्छे लगते हैं। तो शादी का जोड़ा तो काला नहीं हो सकता ना? लाल। लाल होगा। अच्छा, कभी गुड़ियों की शादी की है तुमने? नहीं, मैंने कभी भी नहीं की। गुड़ियों के कपड़े नहीं सिए? फिर क्या खेलती थी बचपन में? बचपन में कुछ नहीं। कोई गेम खेलती थी बचपन में? पहल दूज, पकड़न पकड़ाई, बर्फ पानी? पकड़न पकड़ाई बस जी। और बस यही खेल वगैरह थोड़ा थोड़ा। कभी घर में सब बच्चों को जमा करके टीचर बनी, उस बच्चों को बना दिया स्टूडेंट, खुद टीचर बन के खड़ी हो गई? जी। पढ़ाया सबको? जी। बात मानते थे या तंग करते थे सब? तंग करते थे सब। इकरा से इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद इकरा के लिए बहुत सारे तहाइफ है। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है, पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबको खुशामदेद कहते हैं। मेरे आसपास आपको बहुत सारे तहाइफ नजर आ रहे होंगे जो अब इकरा के साथ उसके नए घर जाएंगे। जी असलम साहब, आपको ये सब कुछ कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट, माँ के शोल्डर के साथ एटीवी खड़ा हो गया, सबसे बड़ी खुशी की बात ये। गर तेरी निगाहों में कोई ऐसा हम सफर हो कहीं, फूलों की वादी में सपनों सा घर हो जो कहीं, कहने लगी ये धड़कन। सारा सामान बहुत अच्छा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अल्फाज मिल रहे, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। इकरा और उनकी वालदा कुबरा बहुत ज्यादा खुश है ये सारा सामान देखकर। अल्लाह इकरा की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। मेरे पास अब बहुत थोड़ा सा वक्त है, मेरी और आपकी मुलाकात होगी इकरा की मेहंदी के वेन्यू पर। हम इकरा की मेहंदी के वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इकरा बहुत खूबसूरत लग रही है, खुदा करे ये रूप हमेशा कायम रहे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। हमारी महफिल की जान आन बान शान असलम शेख साहब तशरीफ ला चुके हैं एंड आई होप कि इनके साथ हम बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। हमारी आज की दूसरी खूबसूरत गेस्ट शाजिया कैसर आ चुकी। मैंने आज तक जितनी भी मेहंदी अटेंड की है ना, इतनी एक्साइटमेंट मेरी कभी भी किसी मेहंदी में नहीं हुई। रियली मेरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत है। और आप दोनों से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है मेरी कैफियत, इकरा की मेहंदी आ गई है। ऐसी सुहानी अलबेली सी मेहंदी की ये रात हो गोरी, उजले चेहरे हंसती आंखें खुशियों की बरसात हो गोरी। कभी खुली कभी बंद। शाजियापा कैसा लग रहा है आपको सब कुछ? बहुत अच्छा। हमारी अरेंजमेंट कैसी लग रही है? जबरदस्त। अरेंजमेंट के साथ साथ आज आप भी बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू। असलम साहब आपको कैसा लग रहा है सब कुछ? मैंने अपनी एक्साइटमेंट आपको बता दी कि इट्स सो डिफरेंट। बहुत सारी मेहंदियाँ होती हैं लेकिन ये मेहंदी, ये शादी, ये बहुत मुख्तलिफ। करत सिंगार गोरी, करत सिंगार गोरी, करत सिंगार गोरी, करत सिंगार मेहंदी की ये रात। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बेतरतीब सा रखा हुआ है, क्या ख्याल है इसको तरतीब कर दी जाए, थोड़ी अच्छे तरीके से इसको रख दिया जाए ताकि खूबसूरत लगे इकरा की मेहंदी? आपको थोड़ी सी जहमत होगी, उठना पड़ेगा। हाथों की एक एक चूड़ी में मोहन की झनकार, सहज चले फिर भी पागल में बोले पीका प्यार। मैंने और शाजिया आपा ने मेहंदी को भरपूर तरीके से सजाने की कोशिश की है। अब हम इकरा की रस्म हिना का आगाज करते हैं। सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी, करत सिंगार गोरी करत सिंगार, मेहंदी की ये रात तलाई सपनों की बारा, सजनिया साजन के है सार, रहे हाथों में ऐसे बार, जुड़े में जूही की दीनी बाह में हार सिंगार, कान में जगमग बाली पता गले में जुगनू हार, संदल ऐसी पेशानी पे बिंदिया लाई बाहर, गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी। असलम साहब कैसा लग रहा है ये? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? इसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं मेहंदी में, मेहंदी में होता है मुकाबले भी होते हैं, और मुझे मजा आता था डांडियों में। याद है एक वक्त गाना गाया करते थे, मैंने तुम्हारी, और मटका भी होता था सर पे या फिर साइड में लोग लेके घुमा डांडियों वाले तरीके से। नहीं डांडियां हुआ करती थी और ये गाना बहुत गाया करते थे इसमें, और इसमें एक दूसरे का मुकाबला, लड़का लड़कियों का मुकाबला होता था, डांस का भी होता था। यहाँ पे भी लड़के और लड़की वाले आपस में गीतों का मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, क्या ख्याल है हम भी जाके इनको ज्वाइन करें? आप भी आइए हमारे साथ। रुको 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 रुको, मुझे बताओ दूल्हा वाले और दुल्हन वाले कौन कौन है? दूल्हा वाले। अच्छा अब हम दोबारा मुकाबला करेंगे, ठीक है, और जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा और जो नहीं जीतेगा उसे भी मिलेगा, ठीक है? तो पहले कौन गाना गा रहा है, दूल्हा वाले या दुल्हन वाले? दुल्हन वाले, दुल्हन वाले, लेडीज पास।
हार गए भाई, हार गए, हार गए भाई, हार गए, हार गए भाई, हार गए। मतलब कौन हारा है? कोई भी नहीं हारा, दोनों जीत गए। किसकी टीम में थे आप? मतलब मैं यार, मैं था किसके साथ? मतलब एक बंदा बैठा हुआ गाने गा रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसको पता ही नहीं है मैं किस टीम का साथ दे रहा हूं ना। हम एक न्यूट्रल, हम एक न्यूट्रल खातून से ये राय लेना चाहेंगे। हां खातून बताइए। शाजी आप बताएं कौन सी टीम ने विन किया? वैसे तो दोनों टीमों ने बहुत अच्छा गाया, बहुत मजा आया, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सच पूछें तो मुझे दुल्हन वाले विन करते। महफिल पूरी रात सजी रहेगी क्योंकि आज इकरा का रत जगा है। मेरी होगी आपसे मुलाकात जब होगी इकरा की बारात। इकरा तैयार होकर आ चुकी है और उरूसी जोड़े में बहुत प्यारी लग रही है। हम दोनों स्टेज की जाने बढ़ रहे हैं और अब हम दोनों को शिद्दत से इंतजार है इकरा की बारात का। बदलते हुए कैसे बने हैं ये बंधन, दिल जोड़ता ही चला, सब रास्ते प्यार के ये खोलता ही चला। रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है, पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। मुझे और शाजिया को बेसब्री से इंतजार था, वो आ गई है। इकरा की बारात आ चुकी है और हमारे गेस्ट असलम शेख साहब उनके इस्तकबाल के लिए पेश पेश है। काम है जिसमें फरिश्ते भी खुदा की बारगाह में दुआ गो होते। चलिए हम भी इस बाबरकत घड़ी का हिस्सा बनते। बेटा जी 5000 हक में मुजम्मल अब्बास वल्द गुलाम अब्बास आपको कबूल है। प्यार के ये खुलता ही चला, रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है। इकरा असलम वल्द मोहम्मद असलम 5000 निकाह में हक मेहर कबूल है। कबूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्ली अलैना अल्लाहुम्मा मग़फिर लिजमील मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमातिल
यही मैनु वलमवादीना का मजीब दावादी वर्फी उदरा जाती या काजी लहा जाती बिरहमत कर या रमराहमी ला इलाहा इल्लल्लाह अंत सुभाना का इन्नी कौन तुम जालिमीन या रहमतुल्लिल आलमीन दे सारी टूटी फूटी हाजिर बाई का कबूल मंजूर फरमाई या अल्लाह ये बच्चे दा निकाह हम तेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा की सुनत अदा कर रहे हैं ये कबूल फरमाई यार बारगाह या अल्लाह अपने प्यारे महबूब दे सदके प्यारे महबूब दे नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमाई या अल्लाह कर करम करवा करम दोनों जहां में रख सरम तकदीर बारे कर निगाहें करम तो बेड़ा पार खैर खके नूर सी मोहम्मद बावसुख जराए से मुझे मेज़ना ने बताया है कि कुछ रस्म और बाकी हैं, तो हम दूल्हा मियाँ को लेके चलेंगे दुल्हन के पास और वहाँ कुछ रस्म है वो आपको वहाँ पता चलेगी। आइए मुजम्मिल साहब। दूल्हा मियाँ सामने से तशरीफ ला रहे हैं। मैंने, शाजिया ने और इकरा की कजिन्स ने उनका रास्ता रोकने का पूरा इंतजाम कर लिया है। ये एक पुरानी रिवायत चली आ रही है कि नोटों का हार उसके गले में डालते थे और निकाह की सुन्नत होती थी और उसके बाद वो नोटों का हार सदका कर दिया जाता था। अच्छा, ये वजह, ये पर्पस होता था। लेकिन अब तो नोटों का हार पहनाओ तो दूल्हा के पास सिर्फ धागा बचता है ना, नोट तो सब ले जाते हैं आखिर में, वो धागा लेके जा रहा होता है, बच्चे भी खींच लेते। मैं तो जरूर निकालती। मैंने एक शादी में देखा था दूल्हा खुद निकाल निकाल के जेब में रख रहा था। शुरू करने जा रहे हैं आरसी मुसफ की रस्म, जो मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा के बाद अगर किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरत से कहता कि वो अपने खाविंद को सजदा करे। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बहन बेटी की शादी में शरीक हों और आपकी खुशियों को दोबाला करें, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या पते पे हमसे राब्ता कीजिए। देखते रहिए, हाँ कबूल है। आंचल में खुशियां समेटे हुए, आँखों में आंसू बिखेरे हुए, अपनों से रिश्ता दिल तोड़ता ही चला, नए रास्ते प्यार के ये जोड़ता ही चला। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। ATV, सारे रंग हमारे।